थानों के खिलाफ एसएसपी को दिया गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखंड भारत महासंघ की ओर से 3 थानों के खिलाफ एसएसपी को दिया गया ज्ञापन, जिसके विषय में जानकारी देते हुए रविंद्र राघव ने बताया कि आज जनपद मुरादाबाद संगठन द्वारा यहां कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पर माननीय एसएसपी महोदय को मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों द्वारा अनुसूचित जाति के उत्पीड़न संबंधित शिकायत को लेकर जनपद मुरादाबाद प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है। प्रकरण थाना कुदरकी, थाना भगतपुर और थाना मझोला से संबंधित है। इन तीनों थानों में अनुसूचित जाति व्यक्ति, चाहे वे जाटव हो या वाल्मीकि हो, उनका उत्पीड़न करके वह कहीं न कहीं पुलिस की छवि और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं। इसीलिए आज हम लोग यहां उपस्थित होकर कप्तान महोदय से मिलकर इन तीनों प्रकरणों में बात करने आए हैं। पहला प्रकरण ईगापुर नगला का है, थाना कुंदरकी का है, जहां वाल्मीकि परिवार को ग्राम प्रधान द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर झूठा मुकदमा लिखवाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सीओ साहब से कई बार मिलने के बावजूद, थाना अध्यक्ष कई बार मिलने के बावजूद उनके विरोधी मुकदमा दर्ज किया गया। कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक प्रकरण थाना भगतपुर का सामने आया है। 10 सितंबर 2022 के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रामलीला में प्रधान नाजिर अली द्वारा अश्लील डांस कराया जाता है और डांस पर नोट भी लुटाए जाते हैं। और दूसरी वीडियो में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राम प्रधान नाजिर अली शराब की बोतलें बांटते हुए नजर आ रही हैं, जो कि थाना भगतपुर की छत्रछाया में किया जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, जिसका विरोध करने पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर पुनः दर्ज कराई जाती है ताकि वे समझौता कर ले, समझौता नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है अनुसूचित जाति के खिलाफ जा रहा है, इससे सरकार की छवि भी अच्छी नहीं बन रही है। एक प्रकरण और ऐसा आ रहा है जो थाने पर थाना अध्यक्ष है वे राजनीति कर रहे हैं, पुलिस भी इसमें राजनीति कर रही है, कोई विधिपूर्ण कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम कलेक्ट्रेट पर कप्तान साहब के माध्यम से शिकायत करने आए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रविंद्र राघव, अखंड भारत महासंघ का प्रदेश मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हूं, और आज जनपद मुरादाबाद संगठन द्वारा यहां कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पर माननीय एसएसपी महोदय को मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों द्वारा अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधित शिकायतों को लेकर आज जनपद मुरादाबाद का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है। प्रकरण थाना कुंदरकी, थाना भगतपुर और थाना मझोला से संबंधित है। इन तीनों थानों में अनुसूचित जाति व्यक्ति, चाहे वो जाटव हो या वाल्मीकि हो, उनको उत्पीड़न करके वह कहीं ना कहीं पुलिस की छवि और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहां उपस्थित होकर कप्तान महोदय से मिलकर उन तीनों प्रकरणों में बात करने आए हैं। पहला प्रकरण इंद्रपुर नगला का है, थाना कुंदरकी का है, जहाँ वाल्मीकि परिवार को ग्राम प्रधान द्वारा चुनावी रंजिश के चलते झूठा मुकदमा लिखवाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सीओ साहब से कई बार मिलने के बावजूद, थानाध्यक्ष से कई बार मिलने के बावजूद उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके घर दबिश दी जा रही है, जो कि अपराध संघ प्रकृति का नहीं है, कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस प्रकार का एक प्रकरण थाना भगतपुर का है, मंगावाला का है, रामलीला में प्रधान नाजिर अली द्वारा असली डांस कराया जाता है, जिसका विरोध किया जाता है। विरोध करने पर अनुसूचित जाति जाटव समाज के व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है, बामुश्किल उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके खिलाफ 2 परिवार और 1 एफआईआर पुनः दर्ज कराई जाती है ताकि वह समझौता कर ले, समझौता नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। आज वह परिवार भी गांव से पलायन कर चुका है। ये कौन बोलता नाजिर अली, ग्राम प्रधान द्वारा असील, उसका वीडियो भी है, उसने वहां पर औरतों को नचाया रामलीला के अंदर, इसकी शिकायत की गई, उसके रंजीशन उसने यह घटना कारित करी, उसे मारा पीटा, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसके मुकदमा लिखने के बाद रंजीशन उसने उसके खिलाफ 2 परिवार डाल दिए, जिसकी कॉपी हम लोगों ने इसके ज्ञापन के माध्यम से सब सारे डॉक्यूमेंट्स दिया है, साक्ष्य दिए हैं। हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो अनुसूचित जाति उत्पीड़न के खिलाफ जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं। और
सरकार की छवि भी इसके अंदर अच्छी नहीं बन रही है। इसीलिए आज कलेक्ट्रेट पर कप्तान साहब के माध्यम से भी शिकायत करने आए हैं। दोनों जिन प्रकरणों वह एक्शन लें और जो संलिप्त पुलिस अधिकारी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। एक प्रकरण और भी ऐसा आ रहा है, जो थाने पर थाना अध्यक्ष महोदय हैं वो राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति फोन करता है उससे पूछा तुम किस पद से हो, उसके संगठन से व्यक्ति से फोन करवाया जाता है तू वहाँ से है और यहाँ से है। राजनीति पुलिस भी इस समय केवल राजनीति कर रही है, अभी तक कहीं से विधिपूर्ण कोई कार्य करने को तैयार भी नहीं है। हम पुलिस की छवि से बिल्कुल असंतुष्ट।